अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसपे कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री ने भी अनाउंस किया था कि घर घर तिरंगा ला रहे हैं। इस पे थोड़ा मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने लिखा है, जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा आसमां से ऊपर लहराएं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा आसमां से ऊपर लहराएं, आजादी का जश्न मनाएं। आगे उस समय की बात है जब हमारे पास न तिरंगा था न इस देश में हमारा शासन था। उस समय हमारे हीरोज ने अपनी जान देकर हमें तिरंगा दिलाया। उस पे है, थी दबी हुई सबकी आवाज, सुरवीरों का हुआ आगाज, वीरों के सर्ज शौर्य और पराक्रम ने दिखा दिया अपना अंदाज, वीरों की रक्त रंजित होली को व्यर्थ ना गंवाएं, आजादी का जश्न मनाएं। आगे है, वीरों ने मातृभूमि के खातिर अपना सर्वस्व बलिदान किया, माताओं बहनों ने भी पुत्र और भाइयों को कुर्बान किया, इस लहू से सींची धरती को अपनी पहचान बनाएं, आजादी का जश्न मनाएं। अभी इतने से ही हमारा काम नहीं चलेगा कि हमें तिरंगा मिल गया और आजादी मिल गई, हमें भी अभी बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने के लिए। द्वेष भाव से ऊपर उठकर भारत का गुणगान करें, द्वेष भाव से ऊपर उठकर भारत का गुणगान करें, सभी धर्म सभी जाति नर नारी का सम्मान करें, उठा तिरंगा हाथों में दुश्मन को शौर्य दिखाएं, आजादी का जश्न मनाएं। मांग रही बलिदान ये धरती भारत के सपूतों से, सारे विश्व में नाम बढ़ाओ तुम अपनी करतूतों से, सत्य अहिंसा की राह पर भारत का सम्मान बढ़ाएं, आजादी का जश्न मनाएं। कोई तिरंगा किसी सीमित चार दीवारी में बांध के नहीं रखा जा सकता, इसको लहराने दो जितनी ऊंचाइयों तक जा रहा है। छू लेने दो तिरंगा को आसमां की ऊंचाइयों को, छू लेने दो तिरंगा को आसमां की ऊंचाइयों को, बिखर जाने दो विश्व में खुशबू विश्व गुरु की सच्चाइयों को, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के खातिर अपना जान गंवाएं, आजादी का जश्न मनाएं। अंतिम लाइन है, जब तक लहू है तन में देश नहीं झुकने देंगे, क्योंकि मैं डिफेंस में हूं इसलिए थोड़ी जब तक लहू है तन में देश नहीं झुकने देंगे, दुश्मन की साजिशों को अब नहीं पनपने देंगे, जननी जन्मभूमि के खातिर अपना सर्वस्व लुटाएं, आजादी का जश्न मनाएं।